सो है वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक फ्लेम्स यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ स्वागत है। सो आज हम बात करने वाले हैं पोको का नया डिवाइस जो कि ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है, विच इज पोको M2, जो कि बेसिकली एक 6GB रैम के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आता है। मतलब कि इसके अंदर जो जो वेरियंट है, जितने भी वेरियंट है, वो 6GB के रैम के साथ स्टार्ट होते हैं। तो जानेंगे इसी वीडियो के अंदर उसके सारे के सारे फीचर्स, प्राइसिंग और आप कहाँ पर से परचेस कर सकते हो। और फाइनली मेरा एक छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ, जो आपको मैटर करता है नहीं करता है ये आपके ऊपर है, और डेफिनेटली मुझे ये मैटर करता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो कि 1080p इंटू 2340 का रेजोल्यूशन पकड़ता है। देन इसके साथ अगर हम बाकी बात करें फ्रंट डिस्प्ले के बारे में, जो कि एक डॉट नॉच का डिस्प्ले लेकर आता है, जो कि यहाँ पे सामने आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा। और प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये डिस्प्ले, मतलब कि ये स्मार्टफोन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन लेकर आता है, जो कि मेरे रिगार्डिंग एक डिसेंट सा प्रोटेक्शन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतने प्रोटेक्शन में आपका स्मार्टफोन सेफ रह पाएगा, एज अ मेरी ओपिनियन। देन हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर, तो इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 सॉफ्टवेयर, जो कि आपको MIUI 11 के ऊपर बेस रनिंग देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek का हीलियो का G80 प्रोसेसर, जो कि दोनों इसके बेसिकली दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुए। दोनों वेरिएंट में आपको सेम ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है MediaTek हीलियो G80, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस कर लेता है इस प्राइस पॉइंट में, जो कि ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि कंपनी क्लेम कर रहे थे लॉन्च होने से पहले, बिकॉज इसके अंदर आपको 6GB का रैम मिनिमम रहेगा, और यही रहा है। ये बेसिकली दो वेरिएंट के साथ आता है, पहला वेरिएंट 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, और देन आता है इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज। प्राइसिंग मैं वीडियो के एंड में, और आप इसको कहां पर से परचेस कर सकते हो, और कंक्लूजन जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसके अंदर आपको देखने मिलती है 5000mAh की बैटरी विद अ पावर सप्लाई ऑफ 18W अडाप्टर, जिसको आप यूज करके फास्ट चार्ज कर सकते हो अपने 5000mAh की बैटरी को। और देन अगर हम बात करें, आपको ड्यूअल सिम प्लस सेपरेट SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और एक्सपांडेबल अगर हम बात करें, तो आप 512GB तक आप जो है मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हो। हेडफोन जैक अवेलेबल है, जो कि और यहाँ पर आपको रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अवेलेबल है, तो बैक साइड आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। तो अभी हम बात कर लेते हैं मेन कैमरे के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको क्वाड कैमरा लेकर आता है, जहाँ पर आपको ना 48 मिलता है, ना 64 मिलता है, ना 48 का सैमसंग का सेंसर मिलता है। सो बेसिकली एक 13MP का मेन लेंस रहेगा, और जो 8MP का रहेगा वो एक अल्ट्रा वाइड लेंस रहेगा। देन 5MP का एक माइक्रो कैमरा रहेगा, जो कि मेरे रिगार्डिंग 5MP का माइक्रो कैमरा जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, रेदर देन ऑफ 2MP माइक्रो कैमरा। और जो 2MP का एक और लास्ट कैमरा है, वो है यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर, जो कि पोर्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता है। देन फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में बात करें, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 8MP का मिल जाता है, जिसके अंदर आप शार्प शूटर सेल्फीज ले सकते हो। तो इतने प्राइस में मुझे नहीं लगता कैमरा में थोड़ा सा जस्टिस कर पाएगा, बिकॉज आज के टाइम पे इस प्राइस पॉइंट में जो आपको 48 का मिनिमम तो मिनिमम मिल रहा है। और मेरे हर वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करते, इमेज क्वालिटी मैटर करती है। तो जब तक ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में नहीं आ जाता, और जब तक मैं इसके कैमरा सैंपल्स नहीं लेता, तब तक मैं आपको कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकता हूँ कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। लेकिन रिगार्डिंग दिस कैमरा, मुझे लगता है एक डिसेंट कैमरा कैटेगरी के साथ आता है, बिकॉज इसके अगर कॉम्पिटेटर के बारे में बात करें, तो वहाँ पर आपको 48MP रियलमी 6 है 14000 में आपको देखने मिल जाता है। लेकिन इसका प्राइस उतना नहीं है जितना मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उससे कम ही है, तो आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। और अब फाइनली यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वजन के बारे में, बिकॉज ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी को लेकर आता है। तो इसका वजन आपको ऑलमोस्ट आपको 198 ग्राम, जो कि सेम आपको मेरा जो Redmi Note 8 Pro अवेलेबल है, तो वैसे ही यहाँ पर 198 ग्राम का एक वजनदार स्मार्टफोन लेकर आता है। हालांकि इसका बिल्ड क्वालिटी उतना ग्लास बॉडी नहीं है, फिर भी इतना वजन बिकॉज ऑफ बैटरी, इसका जो मैसिव बैटरी है, तो 198 ग्राम्स का बन जाता है, जो कि हल्का फुल्का एक्सेप्टेबल है। देन अगर हम आपको इसका प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करो, तो इसका बेस वेरिएंट, जो कि आपको 6GB रैम और 64GB आपको देखने मिल जाता है, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 10,999, मतलब कि 11,000 में आपको इसका 664 मिल जाएगा। बात करें 6128 के बारे में, तो यहाँ 12,499 में आपको 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज इस डिवाइस का देखने मिल रहा है। कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप चॉइस कर सकते हो कलर ऑप्शंस के थ्रू, और ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट और Mi.com पे आपको देखने मिलेगा, तो आप परचेस कर सकते हो। सेल कब है और आप कहाँ पर से परचेस कर सकते हो, लिंक आपको इसी वीडियो के और डिटेल्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें, और मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है स्मार्टफोन एक डिसेंट परफॉर्मेंस लेकर आता है, और मैं आपको
डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ अगर आप एक कैमरा हॉलिक नहीं है, बिकॉज मुझे इसके कैमरा देखकर तो लग रहा है कि इतना अच्छा कैमरा नहीं है. ऑब्वियसली एक AI कैमरा है तो अच्छा रिजल्ट भी ला पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जो 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल की जैसे तगड़ी वाले रिजल्ट ये स्मार्टफोन ला सकता है. और रही बात प्रोसेसर की, मीडियाटेक हीलियो G80 एक डिसेंट परफॉर्मेंस है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली नो डाउट आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. और एक फुल HD+ वाली बात है जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी है इस कंप्लीट डिवाइस के अंदर. एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है, IPS LCD रहेगा बट चलेगा. एक 1080p वाला एक फुल HD+ वाला डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. देन बैटरी भी अच्छी अवेलेबल है. देन आपको इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही एग्रेसिव है मेरे रिगार्डिंग, बस मार खा जाता है इसका कैमरा डिपार्टमेंट में. तो इसके अलावा मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस स्मार्टफोन को लेकर. तो आपके क्या ओपिनियन है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा. देन अगर आप मुझे इस तरफ वीडियो बनाते हो पहली बार देख रहे हो सो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे एडिटिंग सीरीज जो कि एपिसोड चल रहे हैं वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो मेक श्योर चैनल के साथ जुड़ जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा. द रीज़न बिहाइंड मैं आपको इंस्टाग्राम पर डाइवर्ट कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर मैं लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक अपडेट्स इंस्टेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, और मेरा फ्रेंड भी जो है अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ तो वो पोस्ट करता रहता हूँ. तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पर डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @techflames. लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. परचेस करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलता हूँ दोस्तों एक और एक्साइटिंग वीडियो में. टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.